हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई सेफ्टी फर्स्ट। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा एसिड जो कि मेटल्स को भी खा सकता है, मेटल्स को भी डिस्ट्रॉय या डैमेज ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म एबॉलिश कर सकता है, यानी जो पूरा मेटल है वो सारा का सारा ख़त्म कर सकता है। वो है यहाँ पर, और दोस्तों ये है इस बहुत बड़े कंटेनर के अंदर, ये है नाइट्रिक एसिड। ये जो है 68% नाइट्रिक एसिड है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और आज इसी का यूज़ करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये किस तरीके से मेटल्स को खा सकता है। और साथ ही साथ में बहुत ही मज़ेदार चीज़ भी ट्राई करेंगे। हमारे पास में कुछ लॉक्स हैं, कुछ ताले हैं, तो इन तालों के अंदर भी मेटल होता है, तो इन लॉक्स को भी इस एसिड के अंदर डाल करके चेक करेंगे कि क्या ये इन लॉक्स को ख़त्म कर पाएगा क्या, या फिर एटलीस्ट बाहर तो इसके जो है स्टील है इसको शायद ये नहीं खा पाएगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो और मेटल्स की बनी होती हैं, तो शायद उनको वो ख़त्म कर दे और लॉक्स खुल भी जाएं। पता नहीं क्या होने वाला है, फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, और इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को भाई प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि ये सब बड़ा ही खतरनाक है। ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए, बड़ा ही ध्यान रख के हम भी चीज़ें करेंगे। लाइक ठोकना मत भूलना। दोस्तों बेसिकली हम दो मेटल्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन देखने के लिए। ये है कॉपर शीट, यानी कि जो कॉपर मेटल होता है उसकी शीट है, एकदम सॉलिड मेटल है, देखो प्रॉपर प्योर कॉपर मेटल है। और साथ में हमारे पास में है ये मैग्नीशियम मेटल, ये जो है फाइलिंग्स के रूप में है। आप कह सकते हो कि ये जो है बहुत बारीक टुकड़े टुकड़े हैं, छोटे छोटे मैग्नीशियम मेटल के। हमने इनको पहले भी यूज़ किया है, एकदम बंद पैकेट है अभी तो ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो मैग्नीशियम मेटल इनको तो रखते हैं साइड में, और जो नाइट्रिक एसिड है उसको निकालते हैं इस बीकर के अंदर। और गाइस आप लोग देखना एक कमाल की चीज़ कि जैसे ही नाइट्रिक एसिड बाहर आएगा यहाँ पर बहुत ही मस्त जो है आपको फ्यूम्स दिखेगी। देखना ये नाइट्रिक एसिड मैंने इसमें डाला और इसमें धुआं जैसा निकलेगा, देखो दिख रहा है कैमरा में, दिख पा रहा है क्या गाइस? आंखों से तो दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर निकाले हमने नाइट्रिक एसिड, इसको डाल रहा हूँ एक दूसरे बीकर में, इससे छोटे बीकर के अंदर, ताकि हम इसको सेफली हैंडल कर सके। और मैंने लगभग यहाँ पर 150 ml लिया है, इसको रख देते हैं साइड में। और अब इसमें सीधा एक्सपेरिमेंट वाला आते हैं। अबे उत्तरी ये क्या हुआ, ये कहीं टच हो गया इसमें और ये रिएक्शन करने लग गया। चलो इस रिएक्शन को मज़ेदार तरीके से देखते हैं। मैं यहाँ पर कॉपर का एक टुकड़ा काट रहा हूँ आप लोगों के सामने, एक भी नहीं इनफैक्ट दो टुकड़े काट रहा हूँ, ठीक है मज़ा आएगा। और देखो एकदम सॉलिड पीस है, सॉलिड मेटल है भाई साहब, धातु है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट भी करता है। लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ इसको नाइट्रिक एसिड में, और आप लोग देखना ये लो गाइस देखो यार क्या मस्त रिएक्शन थी ना। सबसे पहले जो कलर है वो क्या मस्त, इतना ग्रीन हो गया। और पीछे जाके दिखाओ एक बार देखो, और अब जो पूरा नज़ारा है यहाँ पर, इसके अंदर जो फ्यूम्स निकल रही है उनकी वजह से कितना मज़ेदार और कितना अलग सा हो गया है, वाह यार। लेकिन इसकी जो गैस है उसको सांस में बिल्कुल नहीं लेना, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ। और आप एक बार ये नज़ारा देखिए यार, कितना मस्त और कितना ज़बरदस्त ये जो है दिख रहा है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे से दिखा सकते हैं, बस इसकी गैस नहीं जानी चाहिए। और अब ये जो है दोस्तों थोड़ी सी कम हो गई है, और ये जो गैस यहाँ पर निकल रही है ना, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। गाइस एक बार देखो मैं इसके अंदर फिर से डाल रहा हूँ, और यार जो गैस है वो क्या मज़ेदार यहाँ पर निकलती है, उसमें अलग ही मज़ा आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पर दूसरा टुकड़ा मैंने लिया कॉपर का और ये डाल दिया। और यार गाइस ये फ्यूम्स देखो यार आप लोग, ये जो गैस है ये कितनी मज़ेदार। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो गैस है ये नॉर्मल हवा से भारी है, ये साइंस की वजह से हम बता सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर ना उड़ करके इसी टेबल के ऊपर बैठ जा रही है। और यार इसकी जो स्मेल है ना बड़ी ही गंदी है, जितनी खूबसूरत ये दिख रही है उतनी ज़्यादा उतनी ही बेकार ये सांस लेने के अंदर है।
लेकिन गाइस ऐसा कुछ देखा आपने कभी? कितना शानदार नजारा यार, वाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ दी वर्ल्ड यहाँ पर कोई ना कोई चीज हो रही है। और एक बार इसका कलर देखो भाई साहब, सच में जो केमिकल रिएक्शन है वो बड़ी ही मजेदार है यहाँ पे, क्या बात है। A few moments later. और दोस्तों लगभग 1.5 मिनट के बाद में अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर से सारा जो कॉपर है वो गायब हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो डीप ब्लू कलर है वो अच्छे से दिख नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको इस दूसरे बीकर के अंदर थोड़ा सा डाल करके इसका कलर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? देखना आप लोग, ये देखो यहाँ पर जो आपको कलर है वो दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम अमाउंट में इसको डाला है। देखो गाइस, डीप ब्लू कलर है और अभी भी इसमें से वेपर निकल रही है। वेपर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, मरून कलर की, और जो इसके अंदर सॉल्ट है वो है कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है, जो इसके ब्लू रंग के लिए जवाबदार है। तो अब बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर, और अब इसमें डालते हैं कॉपर की जगह मैग्नीशियम। तो गाइस एक बार फिर से मैंने यहां पर नाइट्रिक एसिड ले लिया है और इसके अंदर से फ्यूम्स निकलती है, इसलिए इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा इसके अंदर से फ्यूम्स निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर अब मैं डालने वाला हूं इसके अंदर ये मैग्नीशियम मेटल, और गाइस ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं जो है पीछे हो जाऊंगा तुरंत से। ये लो, वाओ गाइस, देखा आप लोगों ने कितना फास्ट यहाँ पर रिएक्शन हुई है। मैं नीचे से चला जाता हूँ धुएं के, और देखो मतलब कि उससे ये कितना ज़्यादा फास्ट है, और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रही है। हमने इसके अंदर मैग्नीशियम जैसे ही डाला वैसे ही भाई साहब ये कितना रिएक्शन करने लगा। पिछले बार सारा का सारा जो कॉपर है ख़त्म हो गया था, और इस बार जो है मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर मैग्नीशियम नीचे तो नहीं दिख रहा, और ऊपर जो है वो कंटिन्यू रिएक्शन कर रहा है, और देखो कितना सारा धुआं सा हो गया है। अरे यार भाई यार, क्या खतरनाक एसिड है नाइट्रिक एसिड, इसीलिए इससे दूर रहना ही बढ़िया है। लेकिन अभी मज़ा और बाकी है, अब हम जो है इसके अंदर लॉक्स भी डाल करके देखने वाले हैं, ताले डालेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले रिएक्शन को ख़त्म हो जाने देते हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं बचने वाला यहाँ पे। दोस्तों हमारे पास में दो ताले हैं, ये 40 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, इसलिए ये जो है कोई खास बहुत तगड़े लॉक्स भी नहीं है, और आपको आपके भाई के ऊपर विश्वास होगा, होना चाहिए तभी इसको देखना, ठीक है। मैं आपको जो बताऊंगा वो सब कुछ एकदम सच बताऊंगा। ताले इसमें खुलेंगे तो ठीक है, नहीं खुलेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग गिलास में मैं डाल रहा हूँ नाइट्रिक एसिड को। गाइस दोनों जो लॉक्स हैं वो एकदम लॉक हैं, किसी भी तरीके से नहीं खुल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बीकर के अंदर नाइट्रिक एसिड है और उसमें मैं डाल रहा हूँ ये लॉक। ये गया भाई साहब एक में, और बढ़िया रहा, टूटा नहीं, और रिएक्शन होने लग गई गाइस। दूसरा भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये लो, वाओ, अबे यार लॉक्स यहाँ पर रिएक्शन करने लग गए हैं, देखो उबलने लग गए हैं, ग्रीन कलर हो चुका है, और कलर कितना जल्दी बदल रहा है, और यहाँ पर देखो वही फ्यूम्स निकल रहे हैं, वही जो है मरून कलर की फ्यूम निकल रही है। यानी कि ये जो रिएक्शन है मोस्टली कॉपर के या कॉपर के साथ की कोई चीज़ जैसे कि पीतल वगैरह के साथ है, और भाई साहब अभी इससे बाहर निकल रहा है यार। और भाई यहाँ पर जो एसिड है वो नीचे भी गिर गया है टेबल से, और यहाँ पर जो सीमेंट है अभी उससे रिएक्शन कर रहा है, और ऊपर ये जो है तालों से भी रिएक्शन तो कर ही रहा है। मुझे नहीं पता रिएक्शन कितना देर में शांत होगी, लेकिन यार ये जो है कुछ अलग चीज थी भाई। अबे यार गाइस यहां पर एक पीस आया है, देखो वो बाहर पड़ा हुआ है, एक पीस आया है निकल के, एक टुकड़ा आया है उस वाले में से मुझे नहीं पता वो ताले का टुकड़ा था या क्या था। गाइस अबे यार पूरा टुकड़ा निकला है इस बार, तो ये एक पीस आया है, ओ तेरी, ये जो है उसी वाले में से निकला है गाइस, एक पूरा पीस यहाँ पर निकला है, और ये अभी भी रिएक्शन कर रहा है, गोल गोल है टुकड़ा है। अबे तेरी, इसने तो भाई साहब वाट लगा दी लॉक की, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मैं कह सकता हूँ देखो ये टुकड़ा इसके अंदर से निकला है,
ऑटोमेटिक उसमें से निकल के गिर रहा है भाई साहब, कुछ ना कुछ मजेदार हो रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। तो भाई रिएक्शन लगभग यहाँ पर 15 मिनट के आसपास चली है, काफी सारा एसिड इसमें और डाला और अभी भी मुझे लगता है और एसिड डाला जाए तो ये फिर से रिएक्शन करने लग जाता है। लेकिन जो अरे यार इसकी जो फ्यूम है बहुत बेकार है, लेकिन जो रिएक्शन जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े ही मज़ेदार हैं और बड़े ही शॉकिंग भी हैं। मैं इससे दूर हो गया क्योंकि ये जो फ्यूम निकल रही है ये सांस में जाती है, तो इसको थोड़ा सा साइड होने देते हैं, थोड़ी हवा चलने देते हैं, उसके बाद में इसको दिखाएंगे। लेकिन आप लोग वहाँ पर देखो, लेफ्ट वाले बीकर के अंदर लॉक गायब है। दोस्तों लॉक इतना छोटा नहीं हो सकता जो इसमें आ जाएगा, इसमें लॉक गायब है। चलो इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं उड़ेल रहा हूँ और भाई मैं आपको गारंटी के साथ 100% श्योरली कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ रियल है, वही लॉक्स हैं, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इस बात की मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आपको मानना पड़ेगा और आपको मानना चाहिए। तो गाइज ओ शूट भाई साहब, अबे ये क्या है, वाओ गाइस, हम तो सोच रहे थे लॉक खुलेगा क्या, बट यहाँ पर जो लॉक है ये देखो, ये लॉक का ऊपर का हिस्सा है, ये लॉक का वो हिस्सा है जो लॉक होता है, देख रहे हो आप, और ये है लॉक के अंदर की चीज। यार कुछ पानी लाना, उसमें आपको ये डाल के दिखाते हैं, इनको धोते हैं एक बार। तो भाई साहब ये बचा है, देखो ये देखो, ये एक लोहे की प्लेट है जो कि काफी गल चुकी है, और थोड़ा देर अगर इसमें और एसिड में पड़ी रहती तो ये भी खत्म हो जाती। ये है ऊपर का हिस्सा जो कि लॉक होता है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जो है पड़ा हुआ है, जंग लग गया है क्योंकि एसिड ने इसको कोरोड कर दिया, इसको खा गया कुछ ही मिनटों में, और जो एकदम नए लॉक थे उनके बस सिर्फ ये पार्ट्स बचे। अब आते हैं दूसरे वाले पे और इसका देखते हैं क्या हाल है। गाइस इसमें भी वही है, ओ ये देखो भाई साहब, गाइस हम तो लॉक खोलने की बात कर रहे थे, ये तो खोलना तो दूर, ये तो लॉक को खा जा रहा है। देखो गाइस लॉक का नीचे का हिस्सा गायब है, बुरी तरीके से इसने लॉक को गला दिया है। अबे वाह भाई नाइट्रिक एसिड। तो भाई इस लॉक को भी मैं यहाँ पर पानी में डाल रहा हूँ, लेकिन ये वैसे काफ़ी साफ है, साफ तो क्या ही है यार, लॉक ही साफ हो गया। ये देखो ये हट गया, ये निकल गया भाई साहब, ये देखो ये इससे अलग हो चुका है, दिखाई देता हूँ मैं निकाल के इसको, ये देखो। और भाई साहब ये लॉक के अंदर की पार्ट आ गई जिसको कि एसिड आधा खा चुका है, ठीक है। तो तेजाब की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको आपने देख लिया होगा, इसीलिए आपसे फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों से दूर रहना। ऐसी सारी जो डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स है या फिर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं साइंस की वजह से, साइंस की वजह से ही जो ताला है वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं और केमिकल्स का तो काम यही होता है, ठीक है गाइज। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में और हमारी मेहनत वेरात हो चुकी है अभी फिलहाल, होने वाली है, नहीं हुई है तो काफ़ी टाइम से लगे हुए, तो लाइक ज़रूर से कर देना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए, और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। इसको मैं टच नहीं कर सकता अभी कहीं पर भी, इसमें काफ़ी एसिड है, चलो बाय।